राम राम जी सभी को, जय श्री श्याम। और दिवाली आ रही है तो दिवाली के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे सारे सब्सक्राइबर को, बहुत बहुत बधाई दिवाली की। और भाई ये तैयारी चल रही है मेरी कि दिवाली पे मिठाई सारी बाहर नकली हो जाती हैं, और अब फिर सर्दी शुरू हो ही जाती है, तो मैं बना रही हूँ ये बेसन, जो भुने हुए चने आते हैं ना बिना छिलके वाले, वो पीस के मैं उसके लड्डू बनाती हूँ। वैसे तो 12 महीने ही बनाया के रखते हैं, पर सर्दी में ज़्यादा खाए जाते हैं। घी अपना घर का होता है देसी, बिल्कुल प्योर शुद्ध घी, और उसमें ड्राई फ्रूट डालती हूँ मैं खूब सारे। बच्चे कम पसंद करते हैं इसलिए मैं उनको बिल्कुल आटे की तरह बारीक पीस देती हूँ मिक्सी में। कुछ थोड़े बहुत बड़े बड़े रख लेती हूँ क्योंकि मेरे को तो अच्छे लगते हैं, बाकी भी और कोई किसी को दें तो अच्छे लगते हैं। तो ये लड्डू जो हैं तैयार हो रहे हैं, देखो डाल दिया है घी खूब सारा इनमें, ये 7-8 किलो लड्डू जो अब तैयार हो जाएंगे दिवाली पे। भाई सब्सक्राइब करो फटाफट, जो जो भी सब्सक्राइब करेंगे उन सबको ये लड्डू मिलेंगे खाने के लिए। और बाज़ार की मिठाई देने की बजाय इसीलिए पहले तैयार कर लिए हैं कि जिसको भी देने हम ये लड्डू ही देंगे और यही खिलाएंगे, देसी शुद्ध घर का घी और अपने हाथ के लड्डू। और इसीलिए ये मैंने इसमें जो है काजू बादाम मोटे भी रखे हैं, क्योंकि बाकी लोग तो पसंद करते हैं अलग से दिखें वो, और बच्चों के लिए जो बनाती हूँ उसमें मैं अलग से भी बिल्कुल बारीक पीस देती हूँ ताकि इनको ना पता चले और ये खा जाएं। वैसे अलग से खा लेते हैं काजू बादाम, हम सारा दिन खाते रहते हैं, पर किसी चीज़ में आए निकले ना तो उसमें बच्चे नहीं खाते। ये दो दो बर्तनों में मैंने एक बहुत बड़ा पतीला है, एक पतीले में मिक्स कर रखा है इसमें बूरा, और वो चने पीस के उनका बिल्कुल आटा बना लिया। तो 2-3 पतीले बड़े बड़े इनमें मिक्स कर रखा है और ये लड्डू बनेंगे अब, क्योंकि काफ़ी सारे बना रही हूँ। तो किस किस को लड्डू पसंद आए, कौन कौन खाना चाहता है, जल्दी से 1 मिलियन सब्सक्राइब करा दो, फिर करेंगे इन लड्डुओं का भंडारा अगली दिवाली पे। और जी जिसको पसंद आए कमेंट करना, कहीं आसपास होंगे आप तो आपके पास लड्डू पहुंचा दिए जाएंगे। कमेंट में अपना नाम एड्रेस पता सब बता देना, तो जहाँ भेजे जा सकते हैं हम दिवाली के लड्डू ज़रूर भेजेंगे।